बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 12, 13 और 14 में क्रमशः पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करने चल रहा हूँ या इनका रिवीजन कराने आपको चल रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये क्या होते हैं। बच्चों, जो शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ होते हैं। आज हम इस पाठ में उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया उदाहरण है मोर। मोर को और हम किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? मयूर के भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, मयूर भी कह सकते हैं। दूसरा घर है, घर को हम क्या कर सकते हैं? भवन कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भवन भी बोल सकते हैं। और तीसरा है पुस्तक। पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं? किताब भी कर सकते हैं, और किताब को पुस्तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये एक से अधिक अर्थ दे रहे हैं या इनके एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आइए हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखें कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हीं को हम समानार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी भी कहते हैं। बच्चों, आइए कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, कुछ उदाहरणों को देखें। ठीक है, तो पहला उदाहरण है हमारा पुत्र। क्या है? पुत्र। अब पुत्र के यहाँ पे पर्यायवाची दिए गए हैं। पहला इसका है बेटा। क्या है? बेटा। दूसरा है सुत। दूसरा है सुत। और तीसरा है आत्मज। मतलब ये जो पुत्र है इनके तीन जो है पर्यायवाची हुए, मतलब तीन समान अर्थ देने वाले शब्द हुए। समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? ये तीन हुए। कौन कौन से? बेटा, सुत और आत्मज। कौन कौन से? बेटा, सुत और आत्मज। मतलब हम पुत्र को आत्मज भी कह सकते हैं, सुत भी कह सकते हैं और बेटा भी बोल सकते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, कभी कभी आपको पुत्र भी बोल सकते हैं या आपको बेटा भी कहते होंगे, कभी कभी आपको सुत भी कहते होंगे। तो इस तरह से है कि इनके जो ये पुत्र शब्द है इसके तीन जो है समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उदाहरण है आग। ठीक है, अब ये जो आग है इसको हम अग्नि भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं और ज्वाला भी बोल सकते हैं। मतलब हम आपको अग्नि भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं और ज्वाला भी बोल सकते हैं। आप भी कभी कभी अग्नि कहते होंगे, कभी कभी आग कहते होंगे। मतलब एक ही जो इतने ढेर सारे शब्द दिए गए हैं वह एक ही के हैं, मतलब समानार्थी हैं। इनके इनके जो भी अर्थ हैं वह एक ही है। मतलब अगर कोई कहीं आग लगी हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कि जो है अग्नि लगी हुई है। ठीक है, अब आइए तीसरे शब्द की तरफ चलें। तीसरा शब्द है हाथ। हाथ का समानार्थी शब्द होगा हस्त, कर और पाण। तीन समानार्थी शब्द हुए हस्त, कर और पाण। ठीक है, हम ये जो शब्द हैं, ठीक है, इनका एक ही अर्थ होगा। ठीक है, हम हस्त को भी हाथ कहेंगे, कर को भी हाथ कहेंगे और पाण को भी हाथ कहेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है संसार। क्या है? संसार। इसका जो है इनके जो पर्यायवाची जो शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, वह है संसार को हम क्या कहेंगे? विश्व भी कहेंगे, जगत भी कहेंगे और क्या कहेंगे? लोक भी कहेंगे। संसार को क्या कहेंगे? विश्व, जगत और लोक, तीनों कहेंगे। कभी कभी हम देखते हैं, हम दुकानों पे जाते हैं, कहते हैं कि हमें जो है वह विश्व का मानचित्र दे दीजिए। कोई बगल में एक लड़का आता है, वह कहता है कि भैया हमें जो है वह संसार का मानचित्र दे दीजिए। ठीक है, हमारे पिताजी
कभी कभी जो बूढ़े हमारे दादाजी हैं वो कहते हैं कि अब इस लोक में कोई किसी का नहीं रहा, ठीक है, सब स्वार्थी हैं। तो लोक का भी मतलब होता है संसार। जो बगल वाला अगर मांग रहा है कि हमें विश्व का जो है नक्शा दे दीजिए तो वो भी सही है, और हम जो मांग रहे हैं कि हमें संसार का नक्शा दे दीजिए तो वो भी सही है, मतलब तीनों सही हैं। ये नहीं है कि नहीं नहीं वो विश्व का नक्शा अलग मांग रहा है, हम संसार का नक्शा अलग मांग रहे हैं, क्या है, तीनों समान अर्थ देने वाले हैं, इसलिए ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हुए। अब देखते हैं अंतिम उदाहरण की ओर, पुष्प है, जो पुष्प शब्द है इसके समानार्थी शब्द हुए फूल, कुसुम और सुमन। क्या क्या हुआ, फूल, कुसुम और सुमन, ये इसके पर्यायवाची शब्द हुए, ठीक है। फूल को भी कभी कभी हम कहते हैं कि हमें फूल दे दीजिए, कभी कभी कहते हैं कि पुष्प दे दीजिए, कहीं हम खरीदने जाते हैं या तोड़ने जाते हैं, ठीक है। तो फूल के भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम क्या करेंगे, अब हम विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। तो बच्चों आइए देखें विलोम शब्द के बारे में, जिनके अर्थ जो है वह उल्टे होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस पाठ में मतलब विलोम जो शब्द है इसमें जो है हम ऐसे ही कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण देते हैं, आपके पास में आपकी पुस्तक होगी, आप उसमें देख भी रहे होंगे कि पहला उदाहरण दिया गया है कि चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर था, क्या था, चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर था। दूसरा जो है उसी के नीचे एक और वाक्य दिया गया है कि चिड़ियाघर में एक बड़ा बंदर भी था। आपने देखा कि जो पहला वाक्य है चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर था, और दूसरा जो वाक्य है उसमें है कि चिड़ियाघर में एक बड़ा बंदर भी था। इसमें एक छोटा बंदर और दूसरा बड़ा बंदर, मतलब जो छोटा है उसका विपरीत जो शब्द है, ठीक है, वह बड़ा हुआ। क्या हुआ, बड़ा हुआ, मतलब जो छोटा शब्द है उसका विपरीत बड़ा हुआ, अतः ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, मतलब विलोम शब्द एक दूसरे के कहला रहे हैं, मतलब विपरीतार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है कि दूर दूर एक शेर खड़ा था, क्या था, दूर एक शेर खड़ा था। अब दूसरा वाक्य है इसी उदाहरण का कि पास एक हाथी खड़ा था, क्या था, पास एक हाथी खड़ा था। अब यहां पे आप ये देखिए कि दूर मतलब दूर, बहुत दूर एक शेर खड़ा था, और यहीं पास में क्या था, हाथी खड़ा था, क्या था, हाथी खड़ा था। तो जो दूर है उसका विलोम शब्द क्या हुआ, पास हुआ। दूर का क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है, दूर का दूर है, और दूर का जो विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, वह क्या हुआ, पास हुआ। जैसे बच्चों कोई आपको कह दे कि वहां दूर जाकर के खड़े हो जाओ, कहां, वहां दूर जाकर के खड़े हो जाओ, तो आप यहां से थोड़ी दूर जाओगे और वहां खड़े हो जाओगे, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि थोड़ा पास आकर खड़े हो जाओ, तो आप क्या करोगे, वहां से यहां पास में नजदीक में आ जाओगे और खड़े हो जाओगे। तो आपने आप देख रहे होंगे कि ये एक दूसरी दुरंगी बात हुई, ठीक है, दूर जाना मतलब दूर चले जाना, और पास आना मतलब पास चले आना, एक दूसरे के विपरीत अर्थ ये दोनों दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये विलोम शब्द हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपकी पुस्तक में और उदाहरण दिए हुए हैं। तो बच्चों आइए अब हम विलोम शब्द के कुछ उदाहरण देखें। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, इसमें है ऊंचा, ठीक है। अब ऊंचा का हम विलोम शब्द देखेंगे, तो ऊंचा का विलोम शब्द होगा नीचा, ठीक है, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, नीचा। आप देख ही रहे हैं कि ये जगह जो है ये ऊंची जगह है, और ये दो दूसरी जगह है यह है नीची, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, पहला ऊपर है और दूसरा जो है वह नीचे है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, जैसे आसमान है और नीचे क्या है, पृथ्वी है, ठीक है,
तो वो ऊपर है और ये नीचे है, ठीक, एक दूसरे के अलग अर्थ दे रहे हैं, वो कहां ऊपर और ये कहां नीचे। इसी तरह से अब दूसरा उदाहरण है आपका, दूसरा उदाहरण है सच। दूसरा क्या उदाहरण है? दूसरा उदाहरण है सच। तो सच का जो विलोम शब्द होगा वह होगा झूठ। क्या होगा? सच का विलोम शब्द होगा झूठ। क्या होगा? झूठ होगा। मतलब कोई बच्चा अगर सच बोल रहा है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, दूसरा कोई बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, कह रही ये तो बहुत गंदा लड़का है, ठीक है, ये बहुत झूठ बोलता है। वहीं कोई सच बोलता है तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है। इसी तरह से ये जो सच है और झूठ एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि तीसरा उदाहरण है वीर। क्या है? वीर। और इसका जो विपरीतार्थक होगा, विलोम शब्द होगा, वह क्या है कायर। तो हम यहां ये देखते हैं कि जो वीर है उसका विलोम शब्द क्या होगा? कायर होगा। क्या होगा? कायर होगा। वहीं अंधकार का जो विलोम शब्द है वह होगा प्रकाश। क्या होगा? अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूरब का विलोम शब्द होगा क्या? पूरब का विलोम शब्द होगा पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? तो विपरीतार्थक शब्द कहेंगे या विलोम शब्द कहेंगे। तो बच्चों अब विलोम शब्द जो है यहाँ पे खत्म हुआ। इसके उपरांत हम जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम अपने वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो जो हमारा वाक्य है वह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगने लगता है, इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि वह खेती करता है। क्या करता है? वह खेती करता है। इसी वाक्य को हम क्या कर सकते हैं? वह खेती करता है। खेती करता है तो वह क्या होगा? वह किसान होगा। अतः कह सकते हैं कि वह किसान है, खेती करता है, ठीक है, तो वह किसान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वह किसान है। दूसरा है उदाहरण है कि वह जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वह क्या होगा? मिट्टी का बर्तन बनाने वाला क्या कहलाएगा? कुम्हार कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वह कुम्हार है, वह मिट्टी का बर्तन बनाता है की जगह हम ये कह सकते हैं कि वह जो है वह कुम्हार है, ठीक है। हमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो बनाने वाला है उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें बस ये कह देना पड़ रहा है कि वह जो है वह कुम्हार है। क्या है? वह कुम्हार है। अब इसके बाद में वह पूजा करता है। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि वह पूजा करता है। वह पूजा करता है की जगह अगर हम ये कह दें कि वह पुजारी है, तो पुजारी का क्या काम है? पुजारी का काम पूजा करना है। अतः अगर हम इस जगह पे वह पूजा करता है की जगह पे वह पुजारी है कर दें तो वाक्य जो है बहुत अच्छा प्रतीत होने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम इन शब्दों का प्रयोग या इन जो ये शब्द हैं अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द ये एक शब्द हैं ये जो है यह इसीलिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि जिससे वाक्य को प्रभावशाली या सुंदर बनाया जा सके, ठीक है। अब आइए हम इनके कुछ अन्य उदाहरण देखें कि अन्य कौन कौन से ऐसे अनेक शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखें। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है आपका, क्या है? जो बीमार या इलाज करता है, जो बीमार का इलाज करता है, तो बच्चों यहां आपका पहला उदाहरण है जो बीमार का इलाज करता है। क्या करता है? जो बीमार का इलाज करता है। जैसे जो कोई बीमार हो जाए, जो उसका इलाज करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डॉक्टर कहेंगे। क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं।
तो हम ये क्या कह सकते हैं इस शब्द में, इस शब्द में हम ये कह सकते हैं कि वह डॉक्टर है। क्या है? वह डॉक्टर है। इन सब की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे वह बीमार का इलाज करता है, ये न कह करके हम ये कह दें कि वह डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। तो देखिए कितना अच्छा लगा हमारा शब्द, ठीक है। हम इतने शब्दों को ना बोलते हुए सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं कि वह डॉक्टर है, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखें कि जो क्या है, जो ईश्वर को मानता हो। क्या है? जो ईश्वर को मानता हो वह क्या कहा जाएगा? वह आस्तिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आस्तिक कहा जाएगा। मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर की पूजा करता हो, जो ईश्वर को मानता हो, मानने वाला क्या है? वह आस्तिक है, ठीक है। क्योंकि वह ईश्वर में श्रद्धा रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? वह आस्तिक कहा जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को न मानता हो वह क्या कहा जाएगा? वह जो है नास्तिक कहा जाएगा। मतलब जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर को न मानता हो वह क्या कहा जाएगा? वह नास्तिक कहा जाएगा। तो हम इन इतने शब्दों की जगह पे सिर्फ एक शब्द नास्तिक का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब हम चौथे उदाहरण की तरफ चलते हैं कि तो क्या है, जो कभी न मरे। क्या है? जो कभी न मरे उसे हम क्या कहते हैं? आप सब भी जानते होंगे कि जो कभी न मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। कि जो कभी न मरे उसे हम क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, ठीक है। तो ये अनेक इतने ढेर सारे शब्द हैं, उनकी जगह पे एक शब्द हम अमर का अगर प्रयोग करते हैं तो वह इन सब की जगह पे आ जाएगा और वाक्य भी अच्छा लगेगा, ठीक। अब आइए हम दूसरे अन्य उदाहरण की तरफ चलें। तो दूसरा उदाहरण है, जिसका अंत न हो। क्या है? जिसका अंत न हो तो वो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मतलब जिसका अंत ही न हो, ठीक है। तो उसकी इन शब्दों की जगह पे हम एक शब्द की एक शब्द रख सकते हैं, एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह कौन सा शब्द है? अनंत शब्द है, ठीक है। हम एक शब्द मृदुभाषी अगर लिख देते हैं तो वाक्य जो है प्रभावशाली हो जाता है और सुंदर लगने लगता है। इसीलिए जो है हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप सबने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की, आप सबने विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की और आप सबने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी प्राप्त की, ठीक है। तो आज के वीडियो में और इन पार्ट से बस इतना ही। आपका रिवीजन यहीं पे खत्म हुआ। धन्यवाद।